मी दरवर्षी दर्शनला आम्ही दोघेही येतो, पण जे निर्णय यावेळी झाला महिलांचे बाबतीत, जे महिला आरक्षण बिल आज यावेळीच, त्याच्यासाठी लालबागचे राजाचे दर्शन घेतले आणि साकडा घातलं की जे एवढे वर्षाची आमची आशा होती ते आज पूर्ण, काल रात्रीपर्यंत 11:30 सगळे पूर्ण देशाची महिलांनी वाट पाहिली आणि ते पूर्ण होताना जे स्वप्न होतं एवढे दिवसाचं ते पूर्ण होताना आम्ही सगळे महिलांनी काल पाहिलं आणि आज साकडा आणि दर्शन तर दरवर्षीचंच आहे, कारण लालबागचे राजाचे दर्शन शिवाय गणेश उत्सव पूर्ण होत नाही आमचं। मुझे लगता है कि बहुत सालों से ये जो डिमांड थी, ये जो मांग थी, ये जो सपना था हम महिलाओं का, पहले सिर्फ महिलाएं मंच पर या मतदान की लाइन में हम दिखते थे, पर आज सही मामले में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने हमारा अधिकार हम लोगों को दिया है। मतदान हम तो बहुत सालों से बजाते आए हैं, पर मतदान का अधिकार लेके आज हमें न्याय देने वाला अगर कोई इस देश में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है कि अगर ऑपोजिशन के लोगों का ऐसा कहना है कि ये दिखावा है, तो 60-70 वर्षों में उन्होंने ये दिखावा क्यों नहीं किया। मुझे लगता है हमारे अंदर जो एक किरण, उम्मीद की किरण जो दिखी है, वो आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिखी है। वो आज हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, ये उम्मीद तो हमारे दिल में है कि दोनों लोकसभा में ये पारित हुआ है और आने वाले समय में हम अपना अधिकार, जो आज हम बोलते हैं हम बराबरी में हैं, हम टैलेंटेड हैं, हम होशियार हैं, हम लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये जो उम्मीद जगाने का काम किया वो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री में रहकर पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर कोई भी अपने लाइन से अगर बहककर कोई अशब्द बोलते हैं, तो मुझे लगता है वो पार्लियामेंट के अध्यक्ष ठहरा सकते हैं, और हाउस है, हाउस की लिमिटेशंस हैं, और हम जैसे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो लोगों को लीड करते हैं, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, बाहर भी कहीं पर भी, ये किसी को अधिकार नहीं किसी को एक अपनी लाइन छोड़कर उस पर कोई ब्लेम करना या कोई चीज़ पे बोलना। रवि जी, आप कुछ क्या कुछ कहेंगे, महिला आरक्षण बिल पारित हो रहा है? बिल्कुल, मोदी जी ने महिलाओं को न्याय देने का काम किया, महिलाओं को बराबरी में लाने का काम किया, जो कांग्रेस कई सालों से कर नहीं पाई, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर मोदी जी ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है ऐतिहासिक निर्णय है। हर महिला उनको ताकत दे रही है, साथ दे रही है, और आने वाले भविष्य में मोदी जी के साथ भारी संख्या में महिला खड़ी रहेंगी। और मैं आज बापा से स्पेशल प्रार्थना करने भी आया हूँ कि आदरणीय अजीत पवार जैसे मोदी जी के विकास को देख के साथ में आए महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए, वैसे ही मैं कहूँगा कि बापा को प्रार्थना की शरद पवार साहब भी मोदी जी के साथ आए, जिससे मोदी जी के हाथ भी मजबूत होंगे, महाराष्ट्र का विकास भी होगा, और पवार परिवार जो बिखरा हुआ है वो सही कहने में अगर देखा जाए तो अजीत पवार साहब ने मोदी जी के विज़न को देख के, काम को देख के उन्होंने साथ में आए, वैसे ही अगर पवार साहब भी आ गए तो महाराष्ट्र में विकास की भर गिरेंगी और जो मोदी जी का सपना है देश को आगे बढ़ाने का पूरा होगा। वही पापा से वही प्रार्थना किया कि जिस तरह से अजीत पवार को लगा कि ये देश आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी की ज़रूरत है, उसी तरह पवार साहब को मनाने की कोशिश चालू है, और बापा कोई चमत्कार कर दे और पवार साहब मोदी जी के साथ आए तो मुझे लगता है महाराष्ट्र और देश और आगे जाएगा, ये बापा से मैंने प्रार्थना की है। त्याचप्रमाणे आज बापाच्या चरणी मी प्रार्थना केली आहे कि अजित पवार साहेब जसे मोदीजींचं विजन बघून, मोदीजींचं काम बघून त्यांच्यासोबत आले, तसंच पवार साहेबसुद्धा महाराष्ट्राच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी मोदीजींसोबत आले पाहिजे, मोदीजींच्या विजनला पुढे नेलं पाहिजे, यासाठी मी बाप्पाला साकडा घातलेला आहे, प्रार्थना केली आहे, नक्कीच हा चमत्कार होईल आणि पवार साहेब भविष्यात मोदीजींसोबत दिसेल। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।